नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। मैं लिपिका। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुणाल सिन्हा, जो कि स्किन विशेषज्ञ हैं। तो संतोष प्रकाश जी का सवाल है, आजकल 2.5 ढाई बजे पटना में काफ़ी ज़्यादा शोर होता है सर, इस पर स्किन का क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है और इससे क्या प्रिकॉशन लिया जा सकता है? जैसा कि मैंने कहा, पहले भी कहा कि अब हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरफ बहुत बढ़ चुके हैं। आजकल जगह जगह पे इंडस्ट्रीज़ है, पॉल्यूशंस है, इतने व्हीकल्स आप देखते हैं। तो इस एक्स्ट्रा पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है। प्रोटेक्शन कैसा होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, ये आपके स्किन टाइप्स पर भी डिपेंड करता है, सीज़न पर डिपेंड करता है। गर्मियों में मैंने कहा सनस्क्रीन लगाना चाहिए, जनरल पब्लिक को भी लगाना चाहिए। जिनको प्रॉब्लम्स वैसा नहीं है तब भी सनस्क्रीन का यूज़ करें, ताकि वो आपको प्रॉब्लम से बचाए रखें। हाँ, बाकी आप जैसे जाड़े के समय आप नॉर्मल ब्लैंड मॉइस्चराइजर्स भी आते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर्स, है ना। फिर बेसिकली क्या है कि चेहरा को साफ़ रखने के लिए आपको उसको हमेशा वॉश करना ज़रूरी है। दिन में दो बार आप फेस वॉश कर सकते हैं और एक दो बार नॉर्मल पानी से भी अच्छा साफ़ कर सकते हैं। हमेशा अपने पास एक हैंकी रखें, पसीना पोंछते रहें। पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, फल ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, तला छना चीज़ मीठा चीज़ कम खाएँ, जिनके कारण चिकनाई वाली चीज़ थोड़े कम खाएं, जिनके कारण स्किन में एक्नी या फिर अदर प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक जनरल मेजर्स है जो आपको अपनाना चाहिए। सुमंत वालजाडे जी का सवाल है, वो बोलते हैं, सम पीपल स्किन गेट्स ड्राई एंड ब्लैक एट वेरियस प्लेसेस लाइक नेक, बिहाइंड पाम एंड अदर एरियाज, व्हाट आर द रीज़न एंड रेमेडीज फॉर सेम? जो आप बता रहे हैं, जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ, इसको एकंथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं, जो गर्दन के पीछे कालापन होना, हाथ के पीछे, है ना, पाम्स के डोर्सल एस्पेक्ट पे जो होना कालापन कभी कभी रहता है, किन्हीं किन्हीं को बचपन से होता है, किन्हीं को कुछ दिन बाद से डेवलप करता है, ये एकंथोसिस की साइंस एंड सिम्टम्स है। जनरली जब ओबेसिटी या वेट बढ़ता है और साथ में अगर डायबिटीज़ भी रहे, तब ये स्यूडो एकंथोसिस आती है, जैसे गर्दन के पीछे, हाथ के पीछे भी आता है। ये मतलब फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रीज़न है, है ना, ओबेसिटी होना या फिर डायबिटीज़ से भी ये एसोसिएटेड रहता है। तो उसके लिए अलग अलग क्रीम्स आती हैं जो डीपिगमेंटिंग एजेंट होती हैं, प्लस बफर्ड लैक्टिक एसिड्स की, जो कि आप अपने डॉक्टर से पूछ के सलाह लेके उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें लेकिन वेट रिडक्शन का बहुत बड़ा रोल है। जनरली पाया गया है कि जिनका वेट ज़्यादा रहता है उन्हीं में ये आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कम वेट वाले लोगों को भी आता है, पर एक जनरल यही देखा गया है कि ओबेस लोगों को ये चीज़ ज़्यादा आती है।